मिर्जापुर का सीजन 3 आने वाला है, ये न्यूज़ तो आपको मैंने लास्ट टू लास्ट वीक के वीडियो में दे दी थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर झटपट देख लीजिए। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरफ पंकज त्रिपाठी के फ़ैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि आखिर इस वीडियो में मैं ऐसा क्या बताऊंगी जो लास्ट वीडियो में नहीं बताया। तो बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ नई अपडेट्स है जो आपको पता नहीं होगी, और ये लेकर आई हूँ केवल मैं आपके लिए। तो मिर्ज़ापुर सीजन 3 पूरी तरह भौकाल मचाने आ रहा है, ऐसा हंगामा बरपाएगा, ऐसे धुआंधार उसमें वायलेंस होगा कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं है, तो वो सब कुछ तो मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक तो हम सब ये सब्र करके बैठे थे कि 24 मार्च को मिर्ज़ापुर सीज़न 3 OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा और हम सब उसको देख पाएंगे। अभी तक Amazon Prime की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है, कोई खबर नहीं है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ क्या है ये तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। तो लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ तो ये है कि योगी सरकार की तरफ से ये निर्देश आया है कि मिर्ज़ापुर सीज़न 1 और 2 में जिस तरह पॉलिटिशियन को, यूपी के पॉलिटिशियन को गलत दिखाया गया है या उनकी गलत इमेज बनाई गई है, तो इस सीज़न में यानी मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि पॉलिटिशियन की गलत इमेज को लेकर नहीं दिखाना है, पॉलिटिशियन को किसी भी तरह से भ्रष्ट नहीं दिखाना है, एक साफ सुथरी तस्वीर उनकी दिखाई जानी चाहिए। इस सीज़न में ये होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि शूटिंग पूरी हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम भी हो चुका है, डबिंग हो चुकी है, सीरीज़ पूरी तरह रिलीज़ होने को तैयार है, उस समय इस तरह के निर्देश आने का मतलब है कि एक तरह से थोड़ा सा अपडेट तो करना पड़ेगा, कुछ कटिंग का काम हो सकता है, यानी कि काम तो बढ़ ही गया। इसी वजह से Amazon Prime की तरफ से कोई अपडेट नहीं आए, क्योंकि सीरीज़ को अपडेट करने का काम चल रहा है, जो भी उसमें थोड़ा सा जोड़ गांठ किया जाना है वो सारा किया जा रहा है और उसके बाद ये सीरीज़ हमारे सामने आ पाएगी। अब तो ये न्यूज़ निकल के आ रही कि शायद अप्रैल के लास्ट वीक में ये सीरीज़ आ पाए। दूसरी न्यूज़ ये है कि अभी तक ये खबरें बाहर आ रही थी कि मुन्ना भैया ज़िंदा हो जाएंगे और सीज़न 3 में भी हमें देखने को मिलेंगे, पर ये गलत है। मुन्ना भैया की मौत हो चुकी है। कालीन भैया को तो हमने देख लिया था कि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन मुन्ना भैया की उसी समय मौत हो गई थी। उनको ज़िंदा दिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाए तो बात अलग है। वैसे खबर तो ये है कि मुन्ना भैया के बिना ये सीरीज़ इनकम्प्लीट है, लोगों में उत्साह नहीं होगा देखने के लिए, तो उनको दिखाना तो ज़रूरी है। अब दिखाने के लिए उनको पास्ट में दिखाया जाएगा, यानी कि उनके पहले के कुछ सीन्स लिए जाएंगे, पहले के कुछ स्टोरी जोड़ी जाएगी, जिससे वो इस सीज़न में भी हमें दिखाई दे सके। तीसरी अपडेट ये है कि माधुरी भाभी, जो कि मुन्ना भैया की वाइफ बन चुकी थी सीज़न 2 में, अब इस सीज़न में उनका रोल बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेग्नेंट दिखाया जा सकता है, क्योंकि मुन्ना भैया की डेथ हो चुकी है तो उनका वारिस एक तैयार हो रहा है, तो उस वारिस को लेकर भी इस स्टोरी में कुछ सीन्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत इमोशनल भी होंगे और पॉलिटिक्स तो खैर होगी ही होगी। चौथी अपडेट ये है कि कालीन भैया क्योंकि ज़िंदा हैं तो उनकी जो वाइफ वो भी प्रेग्नेंट है, भले ही वो कालीन भैया का वारिस ना हो, लेकिन कहने को तो वो कालीन भैया का वारिस ही कहा जाएगा, तो उसको लेकर भी गद्दी का थोड़ा सा खेल चल सकता है। इसके अलावा गुड्डू और गोलू को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, उन्होंने अपना बदला भी लेना है और मिर्ज़ापुर की गद्दी पर भी राज करना है, तो उनकी भी साजिशें, उनका रिवेंज सामने आएगा। तो कुल मिला के बहुत से नए अपडेट्स इस मिर्ज़ापुर सीज़न 3 को लेकर आ रहे हैं। अभी तो दिन बचे हैं उसके आने में, तो और न्यूज़ आती जाएगी। तो ये न्यूज़ तो अभी मैंने आपको दी, आगे की क्या न्यूज़ आती है इसको लेकर शायद मैं फिर एक वीडियो लेकर आ जाऊँगी। तो देखा आपने, ये खबरें आपको नहीं पता थी ना, क्योंकि ये सारी खबरें, अंदर की खबरें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो अब मेरी तरह आप भी मिर्ज़ापुर के सीज़न 3 का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। बस कुछ ही दिन बचे हैं, अगर
डेट चेंज नहीं हुई तो हमारे पास मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ जाएगा और हम चाहे तो एक ही दिन में सारे एपिसोड देख सकते हैं। वैसे सच बात तो यही है कि हम सब इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि एक ही दिन में यानी कि रात भर जग के ही सारे एपिसोड देख डालते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र लेकर देखेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। वैसे भी कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के एंड में क्या होता है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ अगर आप पूरा सीज़न देखेंगे तो ज़रूर अंत के नतीजे तक पहुंच जाएंगे। और इसके बाद क्या होता है, क्या मिर्ज़ापुर का सीज़न 4 भी आएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो सस्पेंस से भरा हुआ नई नई साजिशों को सामने लाने वाला मिर्ज़ापुर सीज़न 3 24 मार्च को आ रहा है। मेरी तरह आप भी अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं कोई और न्यू अपडेट लेकर आऊँ मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के लिए। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।